अस्सलाम वालेकुम। ये शाहपुर मेले का पार्ट 3 है। ये मिठाइयों वाली खिलौनों वाली दुकानें हैं, ये बाज़ार बना हुआ है। ये देखें, बाज़ार बहुत खुला और अच्छा बना हुआ है। जगह ही बहुत काफ़ी काफ़ी थी ना, मलकों ने जगह काफ़ी दी हुई थी, अपनी जो है ना वो खेतों में जगह दी हुई थी। चारों तरफ देखें, दोनों दोनों तरफ ये खिलौनों की दुकानें ही हैं, बहुत ज़्यादा खिलौनों की दुकानें लगी हुई थी। मिठाई वाली दुकानें भी बहुत ज़्यादा थी। दरबार की वीडियो उन्होंने बनाने नहीं दी, वो कहते थे कि नहीं दरबार की वीडियो नहीं बनाओ, तो इसलिए दरबार की वीडियो नहीं बनाई। ये आदमी देखते हैं, ये बच्चों के लिए खिलौने लेकर चल रहा है। ये सारी मिठाई की दुकानें लगी हैं। ये भी पुराने वक्त में वो इसको कहते थे थापी, ये वाली वो सामने पड़ी है। वो देखें, अब इससे कतलामा देखें जी, ये कतलामा है। ये शरकपुर शरीफ वालों की दुकान है मिठाई वाली, ये बंदा भी उनका है। वो देखें, वो सामने थापी पड़ी हुई है। ये मीठा होता है, उसके में हल्का सा मीठा लगाया होता है। ये जलेबियाँ पड़ी हैं, वो सामने दरबार वाली साइड है। ये बना रहा है कतलम्मा, ये बंदा कतलम्मा बना रहा है, मीठे पकौड़े बना रहा है। मीठे पकौड़े जो वो गोल गोल पड़े हैं ना, वो बना रहा है। ये कतलामा बना रहा है, ये थाल जो पड़ा है ना। काफी मेले में रश है। ये देखें, जलेबियां बना रहे हैं, ये कतलामा, मीठे पकौड़े, सब मेले में ऐसी दुकानें जचती हैं। ये पकौड़े मछली वाला, ये भी खिलौनों वाला आ गया। ये सारा बाजार तकरीबन मिठाई वाला है इस उल्टे हाथ पे। ये देखें, ये सामने जो झूले लगे हुए हैं, वो मैदान भरा हुआ है झूलों से। ये साथ इधर फलूदे वाले हैं, दही वाले, फलूदा, बहुत कुछ लगा हुआ है। ये झूले लगे हुए हैं, बहुत मेला लगवाया है वो मलकों ने, शाहपुर वालों ने। हालांकि इस इलाके में मेले बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। ये फलूदे वाले हैं, ये भी झूले हैं। ये पूरा मैदान झूलों से भरा हुआ है। ये देखें, इधर भी ये फलूदे वाला, कसूरी फलूदा, ये तस्वीरों वाला है।
ये झूले लेना बच्चों और औरतों के काम है, बच्चियों बच्चों के और औरतों के काम है। वो देखें, वो रेलगाड़ी सी है, वो भी झूले हैं, बहुत मेला लगा हुआ है। वो देखें, वो आसमानी पंगूड़ा, जिसको कहते हैं आसमानी पंगूड़ा झूला, उसमें डोलियाँ बनी होती हैं। ये बेड़ा सामने है, ये उतर रहे हैं सब औरतें और बच्चे झूले लेके। ये जी वापसी का रास्ता हमारा, ये हमारा वापसी का रास्ता आ गया, क्योंकि अब हमने वापस जाना है। तो इसी के साथ फिर दोबारा दूसरी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।